नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाले हैं मोबाइल फोन से होने वाले 10 ऐसे खतरनाक बीमारी, 10 ऐसे खतरनाक समस्या जो आपको भी जानना जरूरी है और आपके सभी लोगों को भी जानना जरूरी है, आपके परिवार को भी जानना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो में एक फॉर्मूला, एक सीक्रेट बताने वाला हूं, अगर उसको अपना लेते हैं, उसको करते हैं, तो आप भी इस समस्याओं से बचे रह सकते हैं और अपने परिवार के सभी लोगों को बचा के रख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष रावत है। मैं एक वेट लॉस एक्सपर्ट, वेलनेस कोच, एक एंटरप्रेन्योर हूं। मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप मोबाइल फोन से होने वाले खतरनाक बीमारियों से बचे रह सकते हैं, क्योंकि तो आप सब जानते हैं आज के समय में डिजिटल दुनिया में मोबाइल फोन से अलग होना, मोबाइल फोन के बिना रहना बहुत ही असंभव सा लगता है। लेकिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन के साथ बने रहते हैं, पूरे दिन हम बने रहते हैं, तो उससे बहुत सारे से खतरनाक बीमारियां होने का संभावना बढ़ जाता है। तो आज हम आपको वो खतरनाक बीमारियों से बचे रहने का तरीका भी बताऊंगा और क्या क्या समस्या हो सकती है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा और अंत में जो समस्या है, लास्ट की 3 ऐसे डेंजरस हार्मफुल इफेक्ट होने वाले हैं बॉडी में, जिसको जानना आपको तो नितांत आवश्यक है। अगर आप इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसको आसानी से दूर करने के लिए आप कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा उपाय भी ढूंढ सकते हैं। नहीं तो मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो चलिए ऐसा शुरू करते हैं। खतरनाक बीमारियों के बारे में बता रहा हूं जो आपके घर में है या आपके घर में आ सकती है, आपके शरीर में आ सकती है। वो किसके कारण? मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो हम करते हैं उसके कारण। तो क्यों ना मोबाइल फोन को इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए और मोबाइल फोन से होने वाले खतरनाक क्या समस्या हो सकती है उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर आप जान लेंगे, समझ लेंगे, तब मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे और उसके साइड इफेक्ट से भी बचे रह सकते हैं और अच्छे से अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल से हम अलग नहीं रह सकते। मोबाइल के बिना आज के समय में काम संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डिजिटल का दुनिया है। डिजिटल में हर काम, फोन से लेकर के, मैसेज से लेकर के, कस्टमर से डील करने से लेकर के, अपने बिजनेस से, अपने रिलेटिव सबके साथ, अपने स्कूल के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने सारे सोशल गैदरिंग को या जो भी चीज आप करते हैं वो सब चीज कनेक्टेड है मोबाइल फोन से। तो मोबाइल फोन को छोड़ करके नहीं रह सकते, लेकिन मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फोन से होने वाले खतरनाक बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। तो आज हम जानने वाले वही 10 ऐसे खतरनाक बीमारी या खतरनाक समस्या जो आपको हो सकती है। तो चलिए बताते हैं आपको पहली क्या समस्या हो सकती है अगर मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल आप करते हैं तो। क्या होगी? रेडिएशन के एक्सपोज में आ सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कुछ ऐसे बीमारियां होती है जो रेडिएशन के कारण होती है, या कुछ ऐसे समस्या होती है जो रेडिएशन के कारण ट्रिगर हो जाती है और जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। और रेडिएशन के कारण ऐसे बहुत सारी भी समस्या होती है जो बिल्कुल ठीक नहीं होता और बीमारियों को डायग्नोस करने में परेशानियां होती है। बीमारियां पकड़ में नहीं आती, डायग्नोस ही नहीं हो पाता और उस बीमारी से हम बचे नहीं रह सकते। उस बीमारी से हम घिरते 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 और ऐसी समस्या हो जाती है जिससे हमें पार पाना, निपटना, बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो रेडिएशन एक ऐसी समस्या है, आप जानते होंगे रेडिएशन के कारण बहुत सारी ऐसी चिड़ियां मर रही है, बहुत सारी ऐसी समस्या हो रही है जिसका इलाज बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। तो क्यों ना मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करें और अंत में उसका सोल्यूशन हमें बताने वाले हैं। और लास्ट के 3 जो डेंजरस साइड इफेक्ट है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या साइड इफेक्ट है? रेडिएशन के एक्सपोजर हो जाते हैं। और आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करें या ना करें, आपके घर में कोई कर रहे हैं ना, आपके पड़ोसी कर रहे हैं ना, आपके आस पड़ोस में लोग कोई कर रहे हैं ना, या आपके आस पड़ोस में कोई मोबाइल का टावर है या किसी और चीज का टावर है, इंटरनेट का टावर है, इंटरनेट का वायर गया है, केबल गया है, आपके घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है या माइक्रोवेव ओवन है, कोई ना कोई जो ऐसा चीज है, गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे रेडिएशन निकल रहा है, तो उन सभी कारणों से, उन सभी के रेडिएशन से भी होने वाले दुष्प्रभाव से आप बचे रह सकते हैं। तो ये संभव नहीं है कि मोबाइल फोन का अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या हमें रेडिएशन के एक्सपोज में नहीं हो सकते, तो वो भी जानना जरूरी है। अगर करते हैं तो और ज्यादा एक्सपोज होते हैं रेडिएशन से, तो इसके पहले नुकसान क्या है? रेडिएशन का कि आप एक्सपोजर हो जाते हैं। दूसरा क्या है? आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है, आपकी याददाश्त क्षमता कम होने लगती है, आपकी स्मरण शक्ति कम होने लगती है, आपका ध्यान कम लगता है, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक समस्या हो रही है आज के समय में। बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज हो या जेंट्स हो, सबके अंदर ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि कंसंट्रेशन लो हो रहा है, अटेंशन कम हो रहा है, और जिसके कारण हम बात बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारी धैर्यशीलता कम हो रही है, हमारा
सहनशीलता कम हो रही है, हमारी मेमोरी पावर कम हो रही है, हमारी स्मरण शक्ति कम हो रही है। ये बच्चों में भी, बड़ों में भी, बूढ़े में भी, लेडीज और जेंट्स सब में हो रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक समस्या हो रही है, जिसके बारे में हमें सोचना, समझना और सजग बने रहना बहुत जरूरी है। तीसरे साइड इफेक्ट की ओर चलते हैं। जी हाँ, वो है स्लीप डिस्टरबेंस। क्योंकि हम सब जानते हैं मोबाइल फोन अगर हम साथ में तो लेके सोते ही हैं, क्योंकि कब किसका फोन आ जाए, कब कौन सा रिंग बज जाए, कम कब कौन सा मैसेज आ जाए, कब कौन सा हमें नोटिफिकेशन आ जाए, जिसको देखना जरूरी होता है। क्योंकि हम बिजनेस करते हैं या जो ऑफिस वर्क करते हैं या आप किसी भी प्रकार के जो वर्क करते हैं, उसमें हमें मैसेज को देखना, ईमेल को देखना, व्हाट्सएप और सारे सोशल मीडिया के सारे नोटिफिकेशन को समझना भी जरूरी होता है। कभी कभी उसको देखना जरूरी है, जिसके कारण हम हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं तो कभी रात को किसी ने कॉल कर दिया, कोई फोन आ गया, नहीं तो ज्यादा हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, रेडिएशन के एक्सपोजर होने के कारण हमारे स्लीप पैटर्न बिगड़ जाती है, हमें नींद नहीं आती है और आंखों में बहुत सारी समस्या हो सकती है। हमारी स्मरण शक्ति वीक हो जाती है, हमारा नर्वस सिस्टम वीक होने लगता है और जिसके कारण हमारी बॉडी में हीट बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर असंतुलित हो जाता है। असंतुलन होने के कारण हमें हेडेक आता है, इंसोमनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। एक खतरनाक समस्या है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके अलावा फोर्थ बेनिफिट की ओर नहीं चल के फोर्थ साइड इफेक्ट की ओर चलते हैं। जी हाँ, क्या है ये, इंक्रीज स्ट्रेस लेवल। ये समस्या हो लगती है, रेडिएशन के एक्सपोजर हो सकती है, स्मरण शक्ति कम हो गया, धैर्य शिथिलता कम हो गई, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गए, तो आपके स्ट्रेस भी बढ़ने लगेंगे, स्ट्रेस लेवल हाई होने लगते हैं। जब स्ट्रेस लेवल हाई होने लगते हैं तो सारे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते चले जाते हैं हमारे जीवन में, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो यह खतरनाक ऐसी समस्या है जिससे हमें बचे रहना जरूरी है और यह हमारे जीवन में दुष्प्रभाव न डाले उसको भी जानना समझना बहुत जरूरी है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अभी तक हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लीजिए, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जी हाँ, फिफ्थ साइड इफेक्ट की ओर चलते हैं। यह है आई स्ट्रेन विजन प्रॉब्लम। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉडी में हीट बढ़ने लगा तब आंखों में जलन भी हो गई, आंख ड्राई भी होगा और यह जब ये होने लगेगा तो आंखों के विजन भी कम हो जाएंगे, आपके आंखों के नंबर भी बढ़ने लगेंगे या कम होने लगेंगे, आपको चश्मा लगेगा और इसके कारण हेडेक, बहुत सारी समस्या होने लगेगी जो आपको परेशानियों में डाल सकता है और आपको और सारी समस्या में घेर सकता है। तो क्यों ना मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करें और मोबाइल फोन से होने वाले दुष्प्रभाव से भी बचे रहें। सिक्स साइड इफेक्ट की ओर चलते हैं। सिक्स साइड इफेक्ट है क्या है, नेक एंड बैक पेन हो सकता है। जी हाँ, क्यों हो सकता है, क्योंकि मोबाइल फोन का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना हमें गर्दन आगे झुकाएंगे, गर्दन आगे झुकाएंगे तो आपका पोस्चर गलत होगा, पोस्चर गलत होगा तो आपको नेक में भी प्रॉब्लम होगा और गर्दन आगे झुकता है, इसका स्ट्रेन ना, इसका तनाव ना आपको नीचे भी लोअर स्पाइन पे भी पड़ता है, जिसके कारण आपको बैक में भी प्रॉब्लम होगा, लोअर स्पाइन में भी प्रॉब्लम होगा और नेक में भी प्रॉब्लम होगा। नेक पेन पेन होते 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 सर्वाइकल पेन होने होते होते आपको हेडेक की समस्या हो जाएगी और धीरे धीरे ये क्रॉनिक हो जाएगा, आपके फिंगर में भी प्रॉब्लम होने लगेंगे और यह बहुत ही भयावह समस्या आज के समय में बनता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि डिजिटल दुनिया में, डिजिटल युग में और ये 21वीं सदी और नए युग में यह बहुत ही खतरनाक समस्या हो रही है और इससे बचे रहना और इस समस्याओं से मुक्ति पाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है और आपका जो वर्क या काम करने की जो क्षमता होती है वो स्लो होने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी में पेन शुरू हो गया, आपकी बॉडी में समस्या उत्पन्न होगी। आप जिस काम को आसानी से कर सकते थे उस काम को करने में आपको दिक्कतें हो रही है, तो आपकी ग्रोथ भी रुक सकती है, आपका प्रोग्रेस भी रुक सकता है ना। तो इन समस्याओं को जानना और समझना जरूरी है। सेवेंथ बेनिफिट की ओर चले, नहीं सेवेंथ साइड इफेक्ट की ओर चलते हैं। जी हाँ, तो अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। लास्ट के हम तीन ऐसे डेंजरस और खतरनाक समस्याओं के बारे में आपको बताएंगे जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आप बोलेंगे ये हमारे घर में हो सकता है या हमारे बच्चों को है या हमारे आस पड़ोस में किन्हीं को है, हमारे रिलेटिव को किन्हीं को है, तो यह समझना बहुत जरूरी है। तो अब आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको वो साइड इफेक्ट बता रहा हूं कि मोबाइल फोन के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि यह आपके घर की बात नहीं है, पड़ोसी के घर की बात नहीं, हम सबके घर की बात है, तो यह हम सबको जानना जरूरी है। नए युग में नई समस्या हो सकती है, तो नई समस्याओं को जानना भी जरूरी है, उसका समाधान भी ढूंढना बहुत जरूरी है। सेवन साइड इफेक्ट की ओर चलते हैं। जी हाँ, आज के समय में देखा गया है कि जितना एक्सीडेंट पहले होता था उससे कई गुना एक्सीडेंट बढ़ रहा है। क्यों
क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि तो आज के समय हम गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल पे बात करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल के मैसेज को देखते हैं, गाड़ी चलाते चलाते टेक्स्ट मैसेज को देखते हैं, गाड़ी चलाते चलाते टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते बात भी करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते सॉन्ग भी सुनते हैं, गाड़ी चलाते चलाते सेल्फी भी लेते हैं, गाड़ी चलाते चलाते फोटो भी लेते हैं। इन सभी समस्याओं के कारण हमारा अटेंशन रोड से हट करके, स्टीयरिंग से हट करके, अपने बाइक का हैंडल से हट करके मोबाइल पे आ गया, और जैसे ही डिस्टर्बेंस होता है तो सुरक्षा में चूक हो जाती है, कंट्रोल खो देते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्यों ना ये खतरनाक यह डेटा है कि भयंकर समस्या है आज के समय में मोबाइल फोन के कारण एक्सीडेंट केस हो रहा है। तो क्यों ना मोबाइल फोन को सही इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें, समय पे उचित इस्तेमाल करें, जिससे भयावह एक्सीडेंटल केस को आप रोक सकते हैं। जी हाँ, अब एट्थ साइड इफेक्ट की ओर चलते हैं। एट्थ साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? टेस्ट भी की ओर चलते हैं, यह डिक्रीज सोशल स्किल। क्योंकि हम सब जानते हैं मोबाइल फोन का जितना इस्तेमाल करते हैं उतना हमारा मेमोरी का वर्क कम हो जाता है, हमारी याददाश्त क्षमता कम होने लगती है, हमारा पेशेंस कम होने लगता है, हमारे क्रिएटिविटी कम होने लगती है, जिससे हम सोशल लोगों के साथ यानी समाज में लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने एसोसिएट के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ ठीक ढंग से बात नहीं करते। क्योंकि आज के समय हम सब मोबाइल पे लगे रहते हैं, हम सब सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, हम सब अपने अपने स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण अपने दिमाग का इस्तेमाल, अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल करना कम कर देते हैं, जिसके कारण हमें लोगों से कैसे बात करें, लोगों से कैसे वार्तालाप करें, लोगों से कैसे विचार करें, लोगों से कैसे हम मिले जुले, लोगों के दुख दुख को समझे, लोगों के दुख सुख में हम साथ दें, ये सारी चीजें हम धीरे 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 हम जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, वीडियो के थ्रू भी देखते हैं, लेकिन कैसे उसको बताएं, कैसे उसको एक्सप्रेस करें, ये सब चीजों में धीरे धीरे हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। लेकिन यह बहुत ही खतरनाक समस्या, क्योंकि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह रहे हैं, तो यह सारी चीज, स्किल, सारे नॉलेज, सारे ज्ञान का सही इस्तेमाल कैसे करें, यह बहुत जरूरी है। इसलिए हमें मोबाइल का सही इस्तेमाल भी करना है और मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव से बचे भी रहना बहुत जरूरी है। और नाइन्थ जो है साइड इफेक्ट आपको, और टेंथ जानना और बेहद जरूरी हो जाता है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा और आपको एक स्पेशल चीज भी बताऊंगा, स्पेशल गिफ्ट भी देंगे, जो आपके लिए बहुत उपयोगी, बहुत ही कारगर, बहुत ही मूल्यवान साबित हो सकता है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नाइन्थ साइड इफेक्ट की ओर चलते हैं। जी हाँ, यह है एडिक्शन। क्योंकि यह बेहतरीन समस्या है, बेहतरीन नहीं कह सकते, भयावह समस्या है। क्यों समस्या है ये? तो हर व्यक्ति आज के समय में मोबाइल का रोगी है, मोबाइल के बिना उनका जीवन संभव सा नहीं लग रहा है, असंभव सा लग रहा है। क्योंकि अगर पांच दोस्त आप देख रहे हैं तो सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, सब अपने मोबाइल में खोए हुए रहते हैं, घर में भी लोग रहते हैं अपने मोबाइल अपने अपने स्क्रीन में खोए रहते हैं, कोई एक दूसरे के साथ वार्तालाप नहीं करते। जब तक घर में है सब स्क्रीन के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो कम्युनिकेशन जो गैप होने लगता है, जब कम्युनिकेशन गैप होने लगेगा तो आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के इमोशन को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे के साथ आपका लगाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। लगाव धीरे धीरे कम होने होते होते कब इसका हम आदतों का शिकार हो जाते हैं, कब मोबाइल के एडिक्शन का हम शिकार हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। आज के समय में किसी से मोबाइल ले लीजिए, बिना मोबाइल का 1 घंटे रहने के लिए बोलिए, ऐसा लगता है कि मतलब कितने सालों से मोबाइल से हम नहीं जुड़े हुए, मोबाइल का नोटिफिकेशन नहीं आया, 1-2 घंटे में लोगों का फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, क्या कोई व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो लोग लगता है अरे हम किस दुनिया में, हमें अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि मोबाइल का हमें शिकार नहीं होना, मोबाइल की आदतों का शिकार होना नहीं होना, मोबाइल का एडिक्शन नहीं होना। मोबाइल एक टूल्स है जिसका हम इस्तेमाल करके अपने क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, अपने ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप करके लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके अपने सेल्स स्किल को बढ़ा सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रतिभा का परिष्कार कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को बढ़ा करके नए दुनिया में नए लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं, नए लोगों को हेल्प कर सकते हैं, न कि मोबाइल का हम इस्तेमाल करके मोबाइल का एडिक्शन बन करके खुद ही बीमार हो जाए। तो यह समझना बहुत जरूरी है, अगर यह आप इसके शिकार हो रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए और इस खतरनाक समस्याओं से बचे रह करके अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखने की दिशा में पहला कदम उठाने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, चलते हैं 10th साइड इफेक्ट की ओर। क्या
टेंथ सर्टिफिकेट क्या है? पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। आज के समय में सबके घर में बच्चे हैं, नहीं है तो आने वाले समय में होंगे, नहीं है तो आपके रिलेटिव के होंगे, आपके आस पड़ोस के होंगे, आपके कलीग के होंगे, उन सभी का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी लो होने लगता है। क्यों? जो समय का इस्तेमाल हमें पढ़ाई लिखाई में, नॉलेज को गेन करने में, अपनी प्रतिभा का परिष्कार करने में, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने में, अपने स्किल को बढ़ाने में लगाना चाहिए, उस समय का दुरुपयोग हम करते हैं। किसमें? मोबाइल के वीडियो देखने में, यूट्यूब के वीडियो देखने में, फेसबुक के रील्स देखने में, यूट्यूब के रील्स देखने में, इंस्टाग्राम में और अलग अलग सोशल मीडिया में हम लगाते हैं, या कोई भी फीड, कोई भी चीज को स्क्रॉल करने में लगाते हैं कि दूसरे के फोटो को देख करके खुशियां मनाने की होड़ में लगे रहते हैं, जिसके कारण हमें समय का अभाव हो जाता है, समय हमारे जीवन में कम होने लगता है। जो समय का सदुपयोग करके हम अपनी स्किल को बढ़ा सकते थे, अपनी प्रतिभा का परिष्कार कर सकते थे, दूसरे को हेल्प कर सकते थे, अपना ग्रोथ को फास्ट कर सकते थे, अपनी इनकम को एक नया अध्याय दे सकते थे, अपना एक नया इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते थे, जिससे आपके घर में 2 पैसे आएंगे, और कुछ पैसे आएंगे तो आप अपने परिवार को, अपने बच्चे को, सबको खुशियां दे सकते थे, अपनी बॉडी को फिट रख सकते थे, अपना एक नया घर ले सकते थे, नई गाड़ी ले सकते थे, नई तरीके अच्छे तरीके से लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते थे। लेकिन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं और अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। तो क्यों ना मोबाइल फोन अगर आपके पास है तो अपने मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करके आप एक नया बिजनेस स्किल बढ़ा सकते हैं और अपना एक नया एक इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप अपना नया कोई इनकम स्ट्रीम बिल्ड करना चाहते हैं और अपने घर में पैसा लाना चाहते हैं और मात्र मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके, आपके पास तो मोबाइल फोन है, आपके पास इंटरनेट भी होगा, आपके पास स्किल भी है, आपके पास समय भी है, मात्र आधे घंटे, मात्र 30 मिनट प्रतिदिन लगा करके क्यों ना एक नया बिजनेस स्किल बढ़ा करके एक नया इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सके घर बैठे। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में, चाहे हेल्थ एंड वेलनेस में हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, सेल्स के फील्ड में हो, हाउस वाइफ हो, या स्टूडेंट हो, या किसी और भी प्रोफेशन में, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में, आपको आधे घंटे तो समय मिल ही सकता है, तो आधे घंटे केवल नियमित रूप से अगर लगा करके आप एक नया इनकम स्ट्रीम अगर बिल्ड कर लें, एक बिजनेस आप खड़ा कर लें और आपके घर में कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया हर मंथ आए, तो क्या नुकसान है? फायदा है ना, है या नहीं है? उसके साथ साथ आप मोबाइल के साइड इफेक्ट भी बचे रह सकते हैं, कैसा रहेगा? इस अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, यहाँ टाइप करना है devashishraut.com/mini। आप इस पे जाकर के आप चेकआउट कीजिए कि क्या है। आपको 5 ऐसे इनकम स्ट्रीम के बारे में बताया जाएगा, इसमें से कोई भी आप बिजनेस स्किल को सीख करके कोई भी एक स्ट्रीम से आप पैसे कमा सकते हैं आसानी से। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो यहाँ जो दिया गया नंबर है उस पर संपर्क करके आप हमसे जान सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट हो सकते हैं। आप हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि ये समस्या जो हो रही है आपको, या मोबाइल फोन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सभी समस्याओं से अगर आप बचे रहना चाहते हैं तो कैसे बचे रहें, क्योंकि यह हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी चीज है, क्योंकि हमें मोबाइल फोन के बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता और मोबाइल फोन से होने वाले दुष्प्रभाव से बचे रहना भी जरूरी है। तो कैसे बचे रहें, उसके लिए एक तरीका है जिसका नाम है टियांस टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आप इसको पहन के रख सकते हैं। देखिए हम भी पहन के रखें, क्योंकि हम डिजिटल लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, हमारा काम ही है मोबाइल के साथ लोगों को स्किल सिखाना, लोगों को बताना, लोगों इसको जानते हैं, समझते हैं और अपने घर में एक नया बिजनेस स्ट्रीम बिल्ड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उनको हेल्प करता हूं मैं। तो अगर आप ये टियांस टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हैं, उनको पहनते हैं, तो आप मोबाइल फोन से होने वाले दुष्प्रभाव से बचे रह सकते हैं और इसके कारण बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती है जिससे आप भी बचे रह सकते हैं। तो यह 3 प्रकार की टाइटेनियम ब्रेसलेट बनाती है, यह पहला और यह दूसरा, यह है जेंट्स के लिए है या कोई भी पहन सकते हैं, और तीसरा है लेडीज के लिए। अलग अलग रेट है, अलग अलग इसका इफेक्ट तो दो तीनों का सेम है, लेकिन अगर आप मोबाइल फोन के साइड इफेक्ट से बचे रहना चाहते हैं तो आपको टाइटेनियम टियांस एनर्जी ब्रेसलेट का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सभी जो हमने 10 समस्या बताई, क्या समस्या बताया आपको, कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? 10 जो हम साइड इफेक्ट बताए मोबाइल के, उस साइड इफेक्ट से आप बचे रह सकते हैं और ये बचे रह करके आप अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और इनर्जेटिक बना करके, और इस लिंक पर क्लिक करके आप ऐसे आइडिया जान सकते हैं जिससे मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करके एक नया बिजनेस स्किल को सीख करके एक नया बिजनेस स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन को दबा दीजिए अखबार, और हमारे साथ बने रहिएगा, और इस वीडियो को जरूर लोगों तक तो शेयर कीजिए, जिससे आपको लोग दुआ देंगे और लोगों को लाभ होगा, तो उसके पुण्य के भागी आप बनेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किस अन्य टॉपिक के साथ किस अन्य वीडियो में। जय हिंद।